मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे के कलवा इलाके में छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर नारा लगाने को लेकर स्थानीय कुछ लोगों पर केस दर्ज किया गया है। जितेंद्र भाड़ ने मांग की है कि महाराष्ट्र में रहकर अगर हम हमारे भगवान का जय जयकार नहीं कर सकते हैं तो कहाँ करेंगे, ऐसा प्रश्न राज्य सरकार से पूछा है। जितेंद्र भाट की मांग है कि जिस अधिकारी ने ये कहकर केस दर्ज किया है कि उसने छत्रपति शिवाजी महाराज की घोषणा तेज आवाज में की है, इसकी वजह से केस दर्ज किया गया है। राज्य सरकार से मांग करूंगा कि जिस अधिकारी ने केस दर्ज किया है उसे फौरी तौर पर निलंबित किया जाए, वरना मैं खुद कलवा पुलिस स्टेशन जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की घोषणा दूंगा। वहीं थाने पुलिस द्वारा एक तरफा न्याय किया जा रहा है। मेरे परिवार को धमकी देने वाले थाने महानगर पालिका के सहायक आयुक्त महेश आहिर के खिलाफ अब तक कोई तफ्तीश नहीं हुई है और कुछ महिलाएं पुलिस थाने पहुंच जाती हैं और 5 मिनट के अंदर ही संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज किया जाता है, ऐसा जितेंद्र अभाट ने बताया है कि थाने में शिवसेना महिला कार्यकर्ताओं द्वारा थाने में मेंटल अस्पताल में उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ बेड रिजर्व करने की महिला शिवसेना कार्यकर्ताओं पर जितेंद्र अभाट ने कहा है कि तरीके से बाप बदले जाते हैं उसी तरीके से बेड बदले जाते हैं। जितेंद्र अभाट ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। शिवाजी महाराज के नारे लगाने पे जो है कलवा पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल करना है, क्या पूरा मामला है? जिस छत्रपति के नाम से महाराष्ट्र पहचाना जाता है, कलवा में से कुछ पिछड़े समाज के लोग मोटरसाइकिल पर बैठ के छत्रपति का नारा लगा रहे थे। उनको न्यायालय में उनको पुलिस स्टेशन बुलाया गया, दो दो झापड़ मारी और उनके ऊपर गुनाह दाखिल हुआ। और गुना जो पेपर पे लिखा गया उस पे लिखा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, ये घोषणा देकर उन्होंने शांतता भंग किया है। 24 घंटे 365 दिन कानों में छत्रपति शिवाजी महाराज की जय ये नारा गूंजते रहता है। ये महाराष्ट्र की अस्मिता है। आप अगर इसको रोकना चाहोगे तो नहीं रोक सकोगे। कौन है जो रोक रहा है? क्या महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि जिसने भी ये गुनाह दाखिल किया है ये लिख के जो इतिहास में उसी किताब में रहेगा एफआईआर बुक में, उसको तुरंत सस्पेंड करने की? जिस शिवसेना की सरकार बनी हुई है वो तो शिवाजी महाराज के गुण गाते ही रहती है, हम भी गाते हैं, लेकिन कम से कम तुम्हारे हाथ में सरकार है, कार्रवाई करो जिस इंस्पेक्टर ने करवाया है, और वो भी पिछड़े समाज के लोगों पे जानबूझ के कार्रवाई की गई है डराने के लिए। सर जी, सर हमारे कर्तव्यनिष्ठ और बहुत ही सूझे समझे ऐसे पुलिस ऑफिसर है, वो शिवाजी महाराज की जय को गुनहगार बता देते हैं, लेकिन मां बेटी को गोलियों से मैं डाल दूंगा, ठोक दूंगा, ये बात करने वाला गीत रामायण पढ़ रहा है, ऐसा उनको लगता है। सर संभाजी राजे, अगर किसी भी तरह का फुटेज या कुछ है तो मैंने पहुंचाइए। मैंने नहीं डाला है, कोई लड़के ने डाला है फुटेज। शंभुजी राजे ने शंभू देसाई ने देख लेना चाहिए। कि उद्धव ठाकरे के लिए एक बेड और दूसरा बेड जो है संजय राउत के लिए हमने रिजर्व करके रखा है। बराबर है, जैसे ही बाप बदले जाते हैं वैसे ही बेड बदले जाते हैं।